फोटो शेयर किए, सारे के सारे वो फोटो ओपन कर लेंगे। नंदनी बच्चे अपना माइक बंद कर लो। सर उस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं दोबारा से करा रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस आपने पहले से कर रखे हैं, इसीलिए मैं टेंथ वाले क्वेश्चंस जो है वही डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा एडवांस लेवल में बाद में लेते हैं। फर्स्ट क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक्स ही। आप देखेंगे करते कैसे हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अच्छा, मैंने आपको फोटो शेयर किया, सबने फोटो खोल रखी है? यस सर। सब फोटो मिल गई है सबको? अच्छा, टेंथ में से ही बोलेंगे। गर्व, गर्व यस सर। मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फाइंड द प्रूफ दैट ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी किस में प्रूफ करने हैं हमें? आर इन ए पी। गर्व, बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया? अगर इसकी इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। बताओ कैसे करेंगे सर? अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, चलो एक तरीका हो गया डी इक्वल टू जीरो। और अगर आप देखोगे इसमें तो ये आ रहा है सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। यही करोगे ना? यस सर। सही है। ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, ठीक है? आप मेरे को ये बताओ, अगर इस इक्वेशन में कोई ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, कोई भी बताएगा इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को, अंडरलाइन इक्वेशन को? एक्स इक्वल्स टू वन डाल के देखो क्या आ रहा है। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। बात समझ आ गई? आप इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है और आपका एक्स इक्वल्स टू वन एक रूट है, तो दूसरा भी रूट क्या होगा? वन। तो इसका मतलब दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स क्या हैं? वन कॉमा वन। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी माइनस ए ओवर बी माइनस सी। तो व्हाट डू आई गेट यहाँ पे आया टू इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस ए। ये आ गया टू बी माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस ए। तो ये हो गया टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। दैट मीन्स द रूट्स आर इन, दैट मीन्स ए बी सी आर इन ए पी। कोई डाउट है बच्चे? सर हाँ बोलो। सर हम इसमें बस x की वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल सकते हैं? हाँ वैल्यू नहीं, उससे भी हो जाता मगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनता आपका, ठीक है? ओके सर। कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, मैंने वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें दिमाग लगाना है, ठीक है? हाँ बोलो, कोई डाउट है और किसी को? अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बोलो सर। पेपर में भी कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है? अच्छा अब चेतन यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस एम इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है? इसकी डिफरेंस ऑफ रूट्स, इसके इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा और उनका डिफरेंस जो है वो वन है। डिफरेंस क्या रखा है? वन। देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम प्लस वन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब बताओ कैसे करेंगे, जल्दी बोलो। बोलो
चलो और कोई बच्चा बोलेगा टेंथ का? सर हम ऐसे ले सकते हैं दो रूट्स को अल्फा और अल्फा माइनस वन। नहीं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, ये कितनी वन। अल्फा माइनस बीटा को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में निकाल सकते हो, दैट इज इक्वलेंट टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम अंडर रूट में इक्वल्स टू वन, ये हो गया सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो वन प्लस फोर। बात समझ आ गई, क्लियर है? सरी समझ नहीं आया। नहीं समझ आया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू समझ आ गई, वन दे रखी है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा के बराबर होता है कि नहीं, चेक कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा दैट इज इक्वलेंट टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? यस सर। तो मैंने ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल टू वन पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस माइनस सी। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? सी बाई ए एम अपॉन वन। समझ आ गई बात? यस सर। क्लियर है ना आप? यस सर क्लियर है। अच्छा आप एक क्वेश्चन देखेंगे, ढंग से सुनेंगे आप। स्वयं? यस सर। बच्चे स्वयं ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो है, और एक क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, सही है? इन दोनों के sir. इसके अगर रूट्स है अल्फा और बीटा और इसके है गामा और डेल्टा, ठीक है? तो ये दे रखा है अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू गामा बाय डेल्टा, ये गिवन है, रेशियो ऑफ रूट्स आर इक्वल। Then prove that p square c is equals to b square q. बता सकते हो कैसे करेंगे? बोलो स्वयं। अच्छा स्वयं ये बताओ, सी एन डी पढ़ा हुआ है? अगर मैं बोलता हूँ x upon y is equals to w upon z, तो yes, हम sir. बोलते हैं x plus sir, y upon x minus y equal to w plus z upon w minus z. ये पढ़ा हुआ है ना? आप yes, इसी sir. तरह एक और रिलेशन लिख रहा हूं मैं, अगर ये गिवन है तो हम लिखते हैं x plus y upon root x y is equals to w plus z upon root w z, ठीक है? Yes sir. ये लिखते हैं, ये काम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में ऊपर वाली इक्वेशन काम आती है और क्वाड्रेटिक में ये काम आता है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसको क्या करूं बच्चे, मैं इसमें क्या लिखूं? अब इसमें क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय रूट अल्फा बीटा, हाँ, इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय रूट गामा डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाय वन माइनस पी माइनस पी। अल्फा बीटा? अल्फा बीटा q root q। और गामा प्लस डेल्टा? माइनस b root c अपॉन root c। अब समझ आ गया? यस सर। क्लियर हो गया? प्रूफ कैसे किया हमने? यस सर। चलो अब हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मेरे को दे रखा है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइज द रिलेशन थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू ट्वेंटी। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स है। नैन्सी? नैन्सी सुनाई दे रहे? हेलो। यस सर आ रही है। अच्छा नैन्सी आवाज नहीं आ रही है। मुकुल तुम बोलो। मुकुल? यस सर।
यस सर। हाँ मुकुल बोलो, इसमें कि 3α + 2β इक्वल टू 20 दे रखा है, a की वैल्यू पता नहीं है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो सच दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, अल्फा बीटा रूट्स है। बोलो बच्चे कैसे करेंगे मुकुल? आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ढंग से। अच्छा मैं दोबारा बोल देता हूँ, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है और 3α + 2β इक्वल टू 20 दे रखा है, आप बोलो। तो इसके अंदर मुकुल आपकी आवाज कट ही रही है, एक मिनट आर्यन कटी है। हेलो यस सर। आर्यन आप बोलो। यस सर। सर पहले हम 3α + 2β को लिख सकते हैं, 3α + 3β - β इज इक्वल टू 20। 3α + 3β - अल्फा इज इक्वल टू 20। चलो अब इसको क्या करूंगा, माइनस बीटा होगा अल्फा की। अच्छा माइनस बीटा, 3α + β - β इज इक्वल टू 20। 3 × α + β की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6। 3 × 6 - β इज इक्वल टू 20। तो बीटा कितना आ गया, -2 ठीक है कि नहीं। चलो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर, अल्फा की वैल्यू आ गई 3α + 2 × -2 इज इक्वल टू 20। तरीके से भी तो कर सकते हैं। कैसे लीनियर इक्वेशन के बोलो सर, अल्फा प्लस बीटा की, एक मिनट सॉल्व हो जाने दो फिर देखते हैं इसके बाद तुम्हारा तरीका ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हां अल्फा की वैल्यू सर, हाँ सर अगर हम इसमें डायरेक्ट बीटा डाल दें x की जगह तो वो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं लगेगी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी उससे भी करेंगे, एक मिनट रुको। अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, बीटा की वैल्यू -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, α × β इक्वल टू a आएगा, a α × β कितना आ गया 8 × -2 दैट इज a, a इक्वल टू -16। अब एक बारी अर्णव पहले तुम बोलो तुम्हारा तरीका। सर हमको x²-6x+a गिवन है, तो सर हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 मिल गई एंड सर हमको 3α + 2β 20 गिवन है, तो सर दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। अच्छा अच्छा आप ये बोल रहे हो 3α + 2β इक्वल टू 20 गिवन है और अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका 6 गिवन है, सही है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, अल्फा बीटा निकालोगे, आप भी वही तरीका लगा रहे हो बच्चे इनडायरेक्टली। अब तुम बोलो बच्चे क्या तरीका लगा रहे हो सर, अगर हम बीटा की वैल्यू जो -2 है वो डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो उससे भी a की वैल्यू -16 ही आएगी। हाँ वो तो बच्चे बीटा की वैल्यू, हाँ वो ठीक है आपका भी तरीका ठीक है। यस चलो अब कौन बोलेगा, अनन्या? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आवाज आ रही है? तो एक सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं x - a × x - b - k = 0, सही है। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, इफ सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - c × x - d + k इस इक्वेशन। सर आपकी आवाज कट रही है। आर्यन आवाज आ रही है मेरी, एक मिनट आर्यन मेरी आवाज आ रही है पूरी प्रॉपर? यस सर। अनन्या फिर आपके वीडियो कुछ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में ठीक है। अच्छा अब एक बारी मेरे को बोलेगा सर, मैं थोड़ा ट्राई करूं। हाँ बोलो सर, पहले तो हम x - a और x - खोल देंगे, मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो सर फिर अच्छा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ट्राई करने से पहले अर्णव एक मिनट, अर्णव ये बताओ मुझे अगर मैं लिखता हूँ x - 1 × x - 2 इज इक्वल टू कितना होता है x²-3x+2, यही होता है ना? यस सर। यस सर। अच्छा इस इक्वेशन के रूट्स क्या है हमारे सर? सी एंड डी सर, इस वाली के जो आपने नीचे लिखी है सर, 1 एंड 2 सर। अब
अब इस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन के रूट्स क्या है बोलो? सर सी एंड डी। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। यस सर। हाँ कि नहीं? अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के, लिखता हूँ। यस सर। अब इस इक्वेशन के रूट्स मेरे को बता सकते हो क्या है? सर सी एंड डी। इस इक्वेशन के बोल रहा हूँ बच्चे, ये अच्छा, कब जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू ए होगी और एक्स की वैल्यू बी होगी। यस सर। तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए? ए और बी। जो क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था। यस सर। समझ आ गया? यस सर। दोबारा समझा दो। चलो आप रिपीट कर दोगे क्योंकि कनेक्शन लॉस। कोई बात नहीं अभी चुप रहो। सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे थे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के रूट क्या दे रखे थे? सी और डी। जिस इक्वेशन के भी रूट जैसे वन और टू दे रखे होते हैं किसी इक्वेशन के रूट, तो हम उस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये लिखते हैं ना। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को दोबारा ऐसे लिख दिया, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आ गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। इस इक्वेशन के रूट जो है वो क्या है हमारे? a और b। इनडायरेक्टली यही हो गया। बात समझ आ गई? बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्या था बस वो रिपीट कर। क्या बोलो? क्वेश्चन क्या था वो रिपीट कर दो बस, आंसर समझ में। बच्चे सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमें इस इक्वेशन के जो ऊपर मैं वाक कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, सही है? ओके सर, आगे सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे एक बार सुनेंगे, मेरे को दे रखा है टेंथ क्वेश्चन, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है जिनका रेशियो दे रखा है आपको पी बाय क्यू, प्रूफ करना है रूट पी बाय क्यू प्लस रूट क्यू बाय पी प्लस रूट एम बाय एल इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है। ठीक है, टेंथ में से कोई ट्राई करेगा? यशमीत तुम ट्राई करो। यशमीत। यस सर। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। अच्छा जल्दी बताओ बच्चे, अल्फा और बीटा ये दे रखा है, इससे क्या लिखता हूं मैं? सर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, नहीं रूट अल्फा बीटा। क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता नहीं होती, सही है? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? सर अल्फा प्लस बीटा माइनस एम अपॉन पी। रूट अल्फा बीटा? रूट अल्फा बीटा होगा एन बाय एल होगा ना, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए। यस सर। सर एम ही गिवन है वहां पे, सर एन नहीं है। क्या एम ही गिवन है सर क्वेश्चन में? एम ही गिवन। ठीक है अब। यस सर। अच्छा अब ये आ गया माइनस और रूट एम बाय एल, समझ आ रही है बात? यस सर। यहाँ पे आ गया रूट पी बाय रूट क्यू और रूट क्यू बाय रूट पी, हाँ कि नहीं? तो ये हो गया रूट पी बाय क्यू प्लस रूट क्यू बाय पी प्लस रूट एम बाय एल इक्वल टू जीरो। बात समझ आ गई? यस। चलो अब सेकंड लास्ट स्टेप कैसे किया था? सेकंड लास्ट स्टेप एक। यस सर। क्या हो गया बच्चे? ये वाला स्टेप सर इसके नीचे हुआ। यस सर। अच्छा एम बाय एल और नहीं सर इसके नीचे वाला एम बाय एल बचेगा। अच्छा पी अपॉन
रूट पी क्यू कितना होता है और क्यू अपॉन रूट पी क्यू कितना होता है, बोलो। आ गई बात समझ? यस सर। ठीक है, देखो बच्चे सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बच्चे सारे बच्चों को किस किस बच्चे को लग रहा है कि ब्रेक हो रही है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। अनन्या वीडियो एक बार देख लेना बच्चे, ट्राई करना है। ओके सर। क्योंकि और सबको नहीं लग रहा तो शायद नेटवर्क में आपके इश्यू होगा ना। अच्छा अब एक को नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। कुणाल। हाँ जी सर। कुणाल क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और अल्फा प्लस डेल्टा कॉमा बीटा प्लस डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस टू कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू जीरो। प्रूफ करना है बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार फिर समझाना सर। बच्चे अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? बच्चे देखो इसका डिफरेंस कितना आएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है कुणाल, और इसका डिफरेंस क्या आएगा? सेम ही आएगा ना, अल्फा माइनस बीटा ही आएगा दोनों का डिफरेंस। हाँ जी सर। आप दोनों का डिफरेंस इक्वल है, पहले वाले का डिफरेंस का फॉर्मूला जो बताया था मैंने वो ये बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस टू बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए, फोर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए, तो टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए, सही है? हाँ सर। बात समझ आ गई है? हाँ सर। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन का, बच्चे आवाज बंद कर दो। अच्छा दूसरी इक्वेशन का रूट्स आएगा अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा मॉड में कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, दैट इज इक्वल टू अल्फा, इसका सम ऑफ रूट्स होएगा टू बी माइनस टू बी बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस फोर सी बाय ए। अब ये आ गया आपके पास फोर बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बाहर, ये भी आ गया अल्फा माइनस बीटा, दोनों को इक्वेट कर दो, ये आ गया ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए। स्क्वायरिंग कर दो आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे सबको? सर हाँ बोलो। सर आपने दूसरी इक्वेशन के रूट्स अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा लिख रखे हैं, बट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस डेल्टा दे रखा है। वो क्वेश्चन में गलती है, वो क्वेश्चन में गलती है। ओके सर ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं हम ट्वेल्थ पे। अच्छा अब ये देखो बच्चे ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा क्या है एनथ पावर है उसके, देन प्रूव दैट ए सी की पावर एन होल की पावर वन बाय एन प्लस वन प्लस ए की पावर एन इंटू सी वन बाय एन प्लस
1 is equals to plus b equals to 0. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? कृष्णा कृष्णा मल्लिका यस सर मल्लिका मल्लिका बताओ कैसे करेंगे? सेवन द्वारा ये बता दो ऊपर वाला. अच्छा ये बोला है क्वेश्चन में इस इक्वेशन के रूट्स एक अल्फा है तो एक nth पावर ऑफ अल्फा है, देन ये प्रूफ करना है आपने. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. चलो बताओ बताओ बच्चे मल्लिका मल्लिका आवाज आ रही है? यस सर. तो सम ऑफ रूट्स कितना हुआ जल्दी बोलो? माइनस बी अपॉन ए. और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हुआ? सी अपॉन ए. तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, सी अपॉन ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1 आ गई. यस सर. ये इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करा दो. सी बाय ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी बाय ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 is equals to minus b by a. आप सॉल्व करना इसे, अपने आप आंसर आएगा जो भी आए. ठीक है? ओके सर. अच्छा आप एक क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम 15. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. मुकुल है इसमें? मुकुल यस सर. आवाज आ रही है बच्चे? यस सर आ रही है. अरे ये चलो अब 15 क्वेश्चन एक बार पढ़ लो. पढ़ लिया? x square plus px plus 1 equal to 0. इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा. और x square plus qx plus 1 equal to 0. इसके रूट्स क्या है? गामा और डेल्टा. गामा और डेल्टा क्या प्रूफ करना है? अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू वैल्यू निकालना. सही है ना? सही है. क्वेश्चन समझ आ गया? मुकुल आवाज नहीं आ रही. हेलो यस सर आ रही है. अरे जल्दी बताओ बच्चे क्या करूं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चे मैं, इन दोनों को. सही है सर? इन दोनों को सर आएगा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा गामा. बच्चे मुकुल तुम मत बोलो मत बोलो मत बोलो, आवाज नहीं आ रही ढंग से. अर्णव अर्णव सर की वॉइस ब्रेक हो रही है. अर्णव अर्णव yes, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से. सर अल्फा बीटा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस अल्फा. अब अर्णव एक चीज बताओ बच्चे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा बीटा की? सर माइनस पी. सर माइनस पी. अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई आपकी 1 और गामा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस पी प्लस गामा स्क्वायर. और दूसरे में क्या आया? डेल्टा स्क्वायर. डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस पी माइनस प्लस 1. तो ये आ गया आपके पास गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 और डेल्टा स्क्वायर माइनस पी डेल्टा प्लस 1. डाउट है? नो सर. अच्छा गामा और डेल्टा किसके रूट्स है? सर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1. गामा इसमें क्या करेगा? सर सैटिस्फाई. तो हम क्या लिखते हैं? गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा. यस सर. और ये भी होगा डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा. यस सर. गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? सर माइनस क्यू गामा. अच्छा गामा स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1. गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ऊपर डाल दी.
माइनस क्यू गामा प्लस पी गामा, और यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू डाल दी, माइनस क्यू डेल्टा माइनस पी डेल्टा, तो ये कितना आ गया, गामा इधर से कॉमन माइनस, और वहां से ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी, और यहाँ से माइनस डेल्टा कॉमन क्यू प्लस पी, तो ये हो गया गामा डेल्टा और क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. व्हाट इज गामा, गामा डेल्टा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है अर्नब, बोलो सर. वन सर, वन वन आ गया, तो आंसर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. समझ आ गई बात? यस सर. अच्छा अब मैं खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ. इसमें ना 1 to 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, असाइनमेंट में बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 to 16 क्वेश्चंस हैं, और 16 के 16 ट्राई करने हैं, पहले 16 के 16 ट्राई करने हैं, ठीक है, तभी जाके कुछ समझ आएगा आगे, ठीक है. सबको क्लियर है कि नहीं? अभी एक एक टाइप के को आग करके भेजने हैं बच्चे. अच्छा एक दो क्वेश्चन और ट्राई करने हैं मैंने, कॉमन रूट्स, ऊपर वाला टॉपिक होगा कॉमन रूट्स. देखो बच्चे कॉमन रूट्स का मतलब क्या है, नोट नहीं किया था. ये वाला सर एक मिनट. देखो बच्चे अब मैंने क्या बोला, कॉमन रूट्स का मतलब क्या है, जैसे कॉमन रूट्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो है, और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है. इस इक्वेशन के रूट्स क्या आते हैं, वन और टू. इस इक्वेशन के क्या है रूट्स, टू और थ्री. तो टू जो है इन दोनों में कॉमन है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से कॉमन रूट का मतलब होता है, यानी दो इक्वेशन में एक रूट अगर कॉमन है तो दैट इज कॉमन रूट. अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख, जैसे पहले कंडीशन ही समझते हैं. मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो. इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अच्छा अब क्या होता है, स्वयं स्वयं बच्चे जल्दी से बोलो, इसमें अल्फा मान लिया कॉमन रूट है दोनों में, अल्फा इसको क्या करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव एक्स फोर इक्वल टू जीरो. यस सर. अच्छा इसको मैं ए लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस इक्वेशन हैज कॉमन रूट. ठीक है अब जल्दी बोलो मेरे को कि इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया था मेथड है ना, yes, वो लिख रहे हैं ना, 2x plus 3y equals to 4 होता था और 3x minus 4y equals to 7 होता था, ऐसी लिखते थे ना. पहले yes, 3 sir. minus 4 लिखते थे, b c a b 4 7 फिर 2 3 फिर 3 minus 4, ऐसी करके सॉल्व करते थे ना. यस सर. x के साथ ये y फिर 1 minus xy minus 1, ठीक है. आप yes, इसको sir. क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा और माइनस वन की जगह प्लस प्लस वन. यस सर. अल्फा स्क्वायर के नीचे कितना आया, अल्फा फाइव अपॉन सेवन फोर ए वन वन फाइव सेवन. डाउट है? नो सर. फाइव ए माइनस ट्वेंटी सेवन फोर ट्वेंटी एट, अल्फा फोर माइनस ए इक्वल्स टू वन सेवन माइनस फाइव टू. ठीक है. अच्छा इन दोनों से अल्फा की वैल्यू क्या आई, इन दोनों से अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 5a माइनस 28 अपॉन 4 माइनस a. अब इन दोनों से अल्फा की वैल्यू क्या आई, 4 माइनस a डिवाइड बाय 2. कोई डाउट? नो सर. अब 2 5 10a माइनस 56 इज इक्वल्स टू 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 8a.
सही है, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 18 ए प्लस 56 इक्वल टू जीरो। अब इसके 14 फोर फैक्टर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस 14 ए माइनस 4 ए प्लस 56 इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू आपकी 14 आ गई, या ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 और तो दिस इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कोई डाउट? नो सर। सर जब 56 साइड आएगा तो 16 से प्लस भी तो होगा, आपने तो किया ही नहीं, क्यों प्लस होगा सर? ये 16 है ना इधर, तो 56 जो राइट साइड आएगा तो 16 से प्लस। सॉरी 40 आएगा, ठीक है, तो 22 दा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस 2 ए प्लस 40। प्लस होगा, आपने वो माइनस कर दिया, 72 आएगा। और कितना हो जाएगा, फैक्टर बना लोगे, 12 6 ए स्क्वायर माइनस 12 ए माइनस 6 ए प्लस 72 इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू 12 आएगा या ए इक्वल टू 6 आएगा। बात समझ आ रही है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर बेस। मैंने बोला क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है। आप फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बारी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लो। जवाब देगा आर्यन। यस सर। आर्यन, इन दोनों इक्वेशन में dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू जीरो हैज कॉमन रूट इन द फॉर्म, इनके रूट जो दे रखे हैं अल्फा बीटा दे रखे हैं, और एक के रूट दे रखे हैं माइनस वन बाय अल्फा और बीटा। चलो अभी ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, समझ नहीं आएगा, अभी रुक जाते हैं। अब जो होमवर्क है वो नोट कर लेंगे, 1 to 16 क्वेश्चंस करने, ठीक है, और कंडीशन फॉर कॉमन रूट में 1 to 3 क्वेश्चंस करने, ठीक है, और उसके अलावा जो नीचे के हैं वो ट्राई कर सकते हैं, नीचे के हैं जो ट्राई कर सकते हैं। बात समझ आ गई? ओके सर। चलो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को ही होगा, नहीं नहीं रिजॉइन नहीं करना, बस इतना ही काम करना आज, ठीक है। थैंक यू बच्चे। सर सर एक बार वीडियो भेज देना, कट रही थी बीच में आज। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो सर, जो आपने 1 टू 16 क्वेश्चंस बोले उसमें 7th क्वेश्चन जीपी वाला है? कोई बात नहीं, जीपी के लिए अगर ए बी सी जीपी में है तो उसके लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एबीसी अगर जीपी में है तो कंडीशन ये होगी, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।